एवरीवन, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर हो रहा है संडे का हवन आर्य समाज मंदिर में। सो मैं जा रही हूँ हवन में। तो आज गाइस मैंने तीन जगह पर जाना है। एक तो हवन में जा रही हूँ अभी, दूसरा अपनी फ्रेंड सीमा के घर कीर्तन में जाना है 11 बजे, तीसरा शाम को जाना है मैंने अपने पड़ोस में कीर्तन में, चौथा वो अपनी रोजी फ्रेंड के घर जाना है। सो मुझे आज 4 धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना है। तो आप सब भी मेरे साथ हिस्सा लेंगे, तो चलिए जी चलते हैं और मिलते हैं आपको हवन में। तस्वीतोर्बरे नियम ए ही ना, क्या खा रही, छेप कल्ली कल्ली खा रही, मुझे नहीं। गाइस ये मेरे से मार खाएगा। आप बना तो रहे हो? नहीं, मुझे लगा आप बना रहे हो। पांच पांच होती जाते रहो और आगे आते रहो। शंभुगे, जैसा आदमी अग में आए हैं, हमारे महपाल जी ने बुलाया है, हमारी मातृशक्ति बहन आए, हमारे गुरुदेव जी का पहले ही मुलाकात है। तो कथा तो अपने आप निकलेगी। कथा क्या है? एक बंद किताब है। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे ऋषि जी की आज्ञा, हमें देखो, हमारे लिए ऋषि है और सबके लिए है, हमारे महपाल जी और पवन गुप्ता जी, बाकी सारी टीम है। जो यज्ञ कराता है वो ऋषि है, आज भी और पहले भी। देखो, मैं आपको कलयुग से त्रेता में ले गया, बाकी विवरण तो कथा में निकलेगा जी। तो हाँ जी, तो हमारे ऋषिवर श्रीमान महिपाल जी को मैं ये कथा के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ और उनके द्वारा आपको ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे ऋषि पहले, मैं कुछ नहीं हूँ, पहले हमारे ऋषि मुनि। कथा तभी निकलेगी जब इनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम सखा है, मित्र हैं, जजमान तो मैं पाल जी तब है जब मैं इनके घर में हवन करने आऊँ, बैठे हो जाओ सरल भाषा में, जजमान तब है जब हवन कर, इस टाइम तो मित्र है, ज्ञान मिलेगा। हमारे माता जी बैठे हैं, हमारे पूजने हैं, इन्होंने तो कई बार कथा सुनी है, इस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा रामायण कथा कई बार सुनी है, हम सबका सौभाग्य कथा में। तो मेरे सबको निमंत्रण है, जो कथा में आइए और एक बार त्रेता युग में आई तो कथा हमेशा हुई और जो सुनने की। मैं वही तो कह रही, कीर्तन शुरू नहीं हुआ, संगत आ भी गई। अरे वो ना गुड़िया तो बोलते नहीं, बैठो। अच्छा, हाँ जी, जय हो गणपति जी की। बस अभी आए जिंदा। सो गाइस, आज हम आई हैं सीमा जी के घर कीर्तन में, बाकी अभी मिलते ही हैं। मैं तो 11 बजे के हिसाब से ही आई, आपने डाल लगा था। कोई नहीं आया ना। नमस्ते जी। अच्छा, तो भी अंदर ही है और वो शर्माते हुए लाइट चलाओ जी, लाइट लाइट भी तो सर। और गाइस देखो 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 भाग गया ये तो, क्यों शर्माया भाई? अभी ना शुरू होएगा कीर्तन। Thank you.
सो गाइस फिर मैं आ गई थी बहन रोजी के घर पे आरती में, क्योंकि मैं उससे पहले तीन जगहों पर जाकर आई थी। सो फिर मैंने कहा चलो अब रोजी बहन के घर आरती में तो शामिल हो ही जाते हैं। हम 10 ही मिनट पहले पहुंचे थे जब आरती होने वाली थी, सो मैंने कहा चलो हाजिरी तो लग गई ना। और बहुत अच्छा लगता है गाइस, एक दो दिन का रह गया है विसर्जन के बाद, तो फिर कौन ही जा रहा है, फिर तो कोई ओकेज़न हो कोई, वैसे तो नहीं जाया जाता, ओकेज़नली जाया जाता है। सो यहाँ पर सब लोग जो है आरती कर रहे थे बहुत ही अच्छे से, और मैं आरती कर रही थी, आपने देखा ही है, तो वन बाय वन सब जो है आरती कर रहे हैं। और यहाँ ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि आरती जो है ना उसमें चल रही थी स्पीकर में, इसलिए बाकी यहाँ पर सब। हम लोग आज फिर रोजी भाभी के घर जो है आ गए थे, रोजी भाभी हो रही है इधर, रोजी भाभी भेजी गए, अभी कुछ यहाँ पे संगत आई हुई है ना ज्यादा, सो इसलिए बाकी कल बाकी मैंने कल आइटिंग में खड़े हैं आपकी सो ये पूनम भाभी कल दिखाया था मैंने आपको, और यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक लग रही है, सारे देखो इधर उधर सब खड़े हैं और बहुत रौनक लग रही है, हमको बड़ा दिल लगता है यहाँ आके ना। हम कल भी आए थे, आज भी हम आए, हमें अच्छा लगा था। तो ये भाभी देखो मॉडर्न लुक में आई हुई है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। और चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं, चलो जी ठीक है गाइस, गणपति बप्पा और या। सो गाइस ये आया है मोहित हमसे मिलने, और बाकी इससे पूछते हैं तो आपको हमारे घर आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा गर्दन अपनी आगे करो, तो आपको हमारे घर आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, उधर देखो शर्म से आ रही है मेरे पे। ओह माय गॉड गाइस, शर्म आ रही है, किससे शर्म आ रही है? फोन पे जी। फोन से? फोन कुछ नहीं कह रहा, आप बात करो और सुनाओ कैसे चल रही है लाइफ? और गाइस ये ना आया है आज मिलने, ये यहाँ आता है बिना मिले भाग जाता है, आज मैंने इसको पकड़ लिया, मैं कहीं से आ रही थी तो ये मुझे वहां पर मिल गया, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था और आके ना एक्टिवा रोक कर मुझे कह रहा आओ तुम्हें चांद पर ले चले, मैंने देखा कौन है वो, तो ये मोहित था कोई और, तो चपले चपले पड़ते, फिर जब मैंने देखा मोहित है तो फिर मैं इसके साथ बैठ के घर पे आ गई थी। सो आप बताओ कि कुछ आपने कहाँ देखा था? मैंने रास्ते में देखा था जी आपको। उधर बताओ। हाँ जी। सो गाइस इसको शर्म आ रही है, कैमरे से ना शर्माता है और इसलिए ये ना खुल के नहीं बोल रहा, जो कैमरा बंद होते ही ना पूरा बोलेगा ये। और ये ना पहले यहीं पे रखते थे हैदराबाद में, अब चले गए हैं यमुनानगर, कहाँ पे रखते हो? गब्बा हॉस्पिटल के पास। गब्बा हॉस्पिटल के पास है, कोई भी पेशेंट वहाँ पर एडमिट हो सो इनके घर जाकर रह सकते हैं, खाना पीना जो मर्जी हो इनके घर से आ सकता है, सब मिलेगा जी, सब मिलेगा। हाँ आप ऐसे छोड़ देना बस, एक अगर किसी का भी पेशेंट गब्बा वाले में हो, सो ये हमारे है रिश्तेदार वहाँ पर, तो कुछ कहना चाहते हो इनकी फैमिली को? जैसे बंदी हो गई बजी काजल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी कर दो जी कैमरा, फॉलो करें, बात शेयर करें, लाइक। हम सुरभि शर्मा का कैमरे लिए हैं, तुमने आज देखा? तो सरकारी लिया है मैंने, और लोग ही इसका यूज करते हैं मेरे फोन का, मैं नहीं करता। सो गाइस ये जाने लग रहा है, फिर देखते कैसे बात है, चलो चलो बाय बाय, स्टैंड उठा ले स्टैंड। और गाइज ये रात का टाइम है, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, मैं उनको छोड़ने गई थी किशनपुरा, और यहाँ से हमने लेनी थी गाड़ी बैक, सो यहाँ से हम गाड़ी बैक कर रहे थे। और ये आप लोगों को पता ही है कौन सी जगह है, ऐसे जाना तो नहीं था मुझे इधर, लेकिन गाड़ी जो है बैक करने के लिए इस साइड आना पड़ा क्योंकि पीछे से नहीं हो रही थी, उधर रश था, सो हमें ना चाहते हुए भी इस एरिए में आना पड़ा। बाकी आप लोग देख ही सकते हो, ये जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा ये कौन सा एरिया है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, सो चलते हैं जी। और हमारे साथ बैठा हुआ था रौनक, मेरी फ्रेंड का बेटा, वो देखिए पीछे बैठा हुआ है वो। सो हम गाड़ी बैक करने आ रहे थे, वो बोला आंटी मैं अभी बैठूँगा, मैंने कहा चलो बेटा बैठ जाओ,
सो फिर ये रौनक बैठा हुआ है पीछे, और मैं आई थी इनके घर तक, कुछ काम आई थी मैं। सो फिर हम लोग जो है वहाँ से गाड़ी को मोड़ कर ले आए थे वापस, और आ रहे थे अब घर को, क्योंकि ये टाइम हो रहा था 7:45 का। और फिर मैं आ गई थी घर पे, आकर खाना वाना भी बनाना था। वैसे तो खाना किसी ने खाना नहीं था, लेकिन ये जो बेटा बैठा हुआ है ना रौनक, इसकी मम्मा ने साग बना रखा था। सो उन्होंने मेरे को जो साग है वो पैक करके दे दिया था, तो फिर साग के साथ सब ने जो है फिर खाना खाया था, फिर मेरे को बनानी पड़ी। सो क्योंकि साग सबका फेवरेट था, तो बहुत ही टेस्टी साग बना रखा था रौनक की मम्मा ने। सो मेरा व्लॉग देखेंगे तो फिर सुन भी लेंगे, तो थैंक यू सो मच जी, बहुत टेस्टी साग बनाया था वो। देखिए वो आ रहे हैं बॉटल पकड़ाने मुझे। सो रौनक बोल रहा था आंटी ध्यान से जाना, तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ ये, और इनकी मम्मी भी मतलब बहुत अच्छे हैं ये सब, और मेरे साथ तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं गाइज। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, जितना हो सकता है सबका भला करती हूँ, और सबके साथ मैं अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। सो इसलिए सभी मेरे से प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से प्यार ना करता हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो बस, मैं नाम तो नहीं ले लूँगी यहाँ पर, लेकिन है वो लोग, देखेंगे समझ जाएंगे मैं बात किन की कर रही हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।